नमस्कार, वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे हो, स्वस्थ हो, सुरक्षित हो अपने घरों में। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:45 हो रहे हैं। अभी बस क्लास ओवर हुई है, 7:30 बजे की क्लास थी तो मैं 7 बजे उठी, क्लास ली और मुंह भी नहीं धोया, ऐसी क्लास ले लिया जैसे मैंने बताया था ऑनलाइन का फ़ायदा। तो बस अभी क्लास व्लास ले लिए और जय आजकल ना सूर्य नमस्कार सीख रहा है ऑनलाइन, वैसे वो यूट्यूब पे वीडियोस देख के। तो मुझे भी कह रहा था दीदी आप भी आओ साथ में करेंगे, तो बस अभी मैं छत पे ही जा रही हूँ और देख लो 9 बजे हमारा सूर्य नमस्कार हो रहा है। वो तो अच्छा है कि आज धूप नहीं निकली है, नहीं तो छत पे नहीं जा पाते हम लोग, कमरे में करना पड़ता। बट अभी धूप नहीं है तो अभी हम छत पे जाएंगे और सूर्य नमस्कार करते हैं आज। कारपेट अपना चला गया फ़ोन लेके, मेरे को कहते कारपेट लेके आओ, तो चलो चलते कारपेट लेके। 9 बजे सूर्य नमस्कार, चलो शुरू करें। आज भी होगी लग रहा है बारिश, काली घटा तो आई हुई है। बस अभी हमारा सूर्य नमस्कार शुरू हो रहा है और जय सिखाएगा आज हमें, सीख रहा है। 2 दिन हो गए 3 दिन हो गए ना, हाँ 3 दिन हो गए। नहीं तो गाय सूर्य नमस्कार तो हो गया, अभी बस हम बैठे और ये खुली खुली हवा ले रहे हैं। काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है अभी तक तो। कल भी ऐसे हुआ था, सुबह काफ़ी अच्छा मौसम था, फिर दिन में धूप आ गई थी, गर्मी हो गई थी, फिर शाम को बहुत तेज़ आंधी चल रही थी। तो यहाँ ऐसा होता रहता है। अभी तो ठीक है मौसम, तो बस अब नीचे चलते हैं, रेडी होते हैं और फिर रेन चलते हैं। गाइस रेडी हो गई हूँ मैं और बस अब निकलती हूँ और रेंज पहुँच के मिलती हूँ फिर आपसे। गाइस रेंज पहुँच गई हूँ मैं और बस अब थोड़ा नाश्ता पानी करते हैं, ब्रेकफास्ट निकल के आई हूँ। लंच और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड ब्रंच, तो फटाफट अब खाना खाते हैं, बच्चे आने वाले होंगे, फिर प्रैक्टिस करते हैं और मिलती हूँ मैं फिर आपसे थोड़ी देर में। गाइस टाइम ओवर हो गया है, अब घर जाने का टाइम हो गया है, बस अब पैकअप करते हैं और घर चलते हैं। गाइस घर पहुँच चुकी हूँ मैं और बस अभी जो जेरी को लेके गए हैं उनसे बात होने वाली है, तो बस अभी मैं आप सबसे भी उसे मिलवाती हूँ और बस कॉल आ गया। जेरू चोनू क्या हुआ? जेरू देख इधर देख बेटे, जेरू बाबू ढूंढ रहे है। सोना इधर देखो। हाँ बाबू तो जेरी से मिल लिया हम सब और थोड़ा थोड़ा रो रहा था वो, उसको वही जो आदत है पलंग के नीचे घुस के सोने की, वो सोया ही हुआ था और बस अभी वीडियो कॉल के लिए उठाया था और ढूंढ रहा था कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। मिस तो बहुत कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बट चलो ठीक है, 1-2 दिन में वो भी ठीक हो जाएगा। गाइस अब मैं थोड़ी देर बाहर टहलने जा रही हूँ वॉक पे, क्योंकि आज सुबह भी वॉक नहीं हो पाई थी। यूजुअली छूटी जाती है सुबह की वॉक, ना हो नहीं पा रही कंटिन्यू, तो शाम को ही टाइम मिल रहा है कभी कभी। बस अभी टाइम है, थोड़ी देर घूमाते हैं। बादल देख रहे हो गाइस कैसे हो रहे हैं, ब्लू ऑरेंज वाइट, मस्त हो रहा है मौसम। वैसे आज भी बरसेंगे, दिन में इतनी गर्मी हो रही है और पूरे मतलब जैसे सुबह और शाम को इतनी ठंडी हो जा रही है। मौसम ऐसे ही हो रहा है, बदल रहा है। वो मेरे फ्रेंड्स भी आ गए हैं। हेलो, आज हम लेट हो गए और कालू और टमाटर भी साथ में घूम रहे हैं। कल मैं नहीं आ पाई, रेंज पे ही थी मैं। हाँ हेलो कर दो, हेलो
ये आंटी जी है दीक्षा, दीक्षा की मम्मा और होने वाली है वॉक, ये अभी आए हो बस? नहीं, हम तो वहाँ घूम के आ गए ना। अच्छा, घूम के आ गए। वो देख रहे हैं दोनों एक दूसरे को, कैसे देख रहे हैं? गोल पत्ते होते हैं, अभी हरा गोल पत्ते होते हैं हमारे यहाँ भी बहुत होगा। है ये पहाड़ी भाषा में सगौती कहते हैं इसे। क्या? नहीं, तो गाइस ये एक टाइप की सब्जी है जो कि खाते हैं, इसे बना के खाया जाता है। तो आंटी वो सभी हमें बता रहे हैं। तो ये सब्जी है, क्या नाम है सब्जी का? तो हरी सब्जी सगौती हुई और क्या। अच्छा, तो अभी तो वो वहाँ वॉक के लिए चले गए और जय बस अभी आए तो मैं उसे वहाँ तक लेने जा रही हूँ। तो बस अभी हम सब्जी की रेसिपी डिसाइड कर रहे थे, मतलब डिस्कस कर रहे थे। उन्होंने एक न्यू टाइप की सब्जी हमें बताई, मतलब वो ऐसे ही यहाँ पर ही उगी हुई, ऐसे यहाँ मिल गई। तो वो हमें बता रहे थे कि वो कौन सी सब्जी है। कहाँ था तू? कहाँ था? कहाँ था? कहाँ था? ओके ओके ओके, कैनेडा आया हूँ ना। हाँ हाँ, तो एक मिनट व्यूअर्स को बताने दो क्या थी वो। मुझे भी अभी पता चली, वो थी हरी सब्जी कहते हैं, मतलब एक और कुछ नाम ले रहे थे वो। तो वो कोई ऐसी टाइप की सब्जी थी जो कि अच्छे से, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से धो के और पका के प्याज में लहसुन में ऐसे बनती है वो। तो मैंने तो नहीं लिया, वो दूसरी आंटी ने लिया। सो एक नई चीज़ जानने को मिली आज हमें। फिलहाल अभी यही आए, आ गया देखो कब से आए तो आ नहीं आते कभी भी नहीं आते। देखो मैं ट्रैक्टर चल रहा है, चल रहा है, बैठेगा? चल सही में मैं बात करती हूँ उनसे, तू बैठी हो। चल चल चल, इस साइड थोड़ा आने देना उन्हें। चल चल, तब तक वहाँ धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं। अरे यहाँ से कहाँ से जा रहे हैं? वहाँ से चलते हैं, यहाँ यहाँ से चल, वहाँ है ट्रैक्टर। चल चले अब वहाँ, यहाँ से वहाँ कैसे चल। देखो ये खेत पूरा साफ कर दिया उन्होंने, अब ये खेत की बारी चल रही है। अब हम यहाँ आ तो गए, हम वहाँ तक जाएं कैसे? पूरी गीली मिट्टी है यहाँ पे। वो तो भाई एक ही उस पर हो सकता जब वो यहाँ खुद आए, हम तो नहीं जा सकते वहाँ। देख यहाँ पे कैसी मिट्टी हो रही है, धस रही है। दे हाथ दे, वहाँ थोड़ी खाली मिट्टी दिख रही है, सूखी मिट्टी। चले या मैं बुला के लाती हूँ, रुक जा, तू यहीं रुक के, मैं बोल के आती हूँ, पूछ के आती हूँ उनसे। अरे ओए, मेरे को लग नहीं रहा था मेरे बोलने पे आएंगे, अभी पूछती हूँ, रुक जाने दे। अटक गए अटक गए। एक बार इसे बिठा लो प्लीज़, मेरा यूट्यूब पे चैनल एक बार हेलो कर दो। हेलो, आपका नाम क्या है? अमन सिंह। प्लीज़ इसे एक बार राउंड कटा दो। कैसे आएगा? उधर से, आम से। चढ़ जा, ला दे, चढ़ 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 आराम से, डर मत, चढ़। हाँ थैंक यू। बहुत ही मज़ा आया इसे, और कह रहा था कि मतलब पूरा झिनझिना रहा था, वाइब्रेट हो रहा था, अभी तक ऐसे लग रहा है मैं ट्रैक्टर पे बैठा हूँ। तो मज़ा आया, मेरा भी बड़ा मन था, बट चलो अभी और बैठेंगे हम। फिलहाल ये बैठ गया, मैं बैठ गई, एक ही बात है। तो अब घर चलते हैं, अंधेरा होने लग गया। ये पता नहीं कैमरे में इतना उजाला उजाला कैसे आता है, यहाँ तो बड़ा अंधेरा हो रहा है।
वही क्वालिटी। सो चलो घर चलते हैं। सो गाइज, अब हम घर आ चुके हैं और बहुत मज़ा आया। आई होप आपको भी मज़ा आया होगा। मतलब वो भैया इतने मतलब अच्छे थे, मतलब एक बार उनको बोलने से पहले उन्होंने बोल दिया आ जाओ आ जाओ बिठा दो उसे। मतलब मैं पूछने ही लगी थी, उन्होंने पहले ही बोल दिया कि बिठा लो जय भाई को। सो काफ़ी अच्छे थे वो और उन्होंने पूरा एक चक्कर दिलवाया जय को। सो गाइज, अब बस इसी के साथ ब्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आपने इंजॉय किया होगा, मज़ा आया होगा आपको ये ब्लॉग देख के। और अगर आपको अपने लाइफ में से ये 5-10 मिनट हमारे साथ बिता के अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे कंटिन्यू करिए, शेयर करिए जितना हो सके और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि ऐसे वीडियोस और ब्लॉग्स लाते रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।